नमस्कार, मैं केशव कुमार झा, आप सभी का स्वागत है बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज में। अभी हमारे साथ हैं बिहार के बांका से लोकसभा सांसद और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव जी। जयप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे तो यही रहेगा कि पिछले दिनों जो संसद में सवर्ण जाति के लिए 10% आरक्षण वाला जो बिल पेश किया गया, उसको आप लोगों ने विरोध किया, क्यों विरोध क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 10% का बिल लाया गया है, सदन में जब हम बोलने के लिए खड़े हुए तो हमने कहा कि जो यह बिल लाया गया है, जिस तरीके से यह बिल लाया गया है, इसका हम विरोध करते हैं। जातीय जनगणना कराओ, जिस जाति की जितनी जो है संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी, पता चल जाएगा किस जाति की क्या संख्या है, किसके पास जो है छतदार मकान है, किसके पास दो बित्ता जमीन है, कौन नौकरी से जो है अलग रहे हैं, कौन बड़े नौकरियों से अलग रहे हैं, कौन जो है रोज़गार से अलग रहे हैं, कौन जो है बेगर का काम करते रहे हैं, कौन तकलीफ़ में ज़िंदगी को जीते रहे हैं, कोई आय और संसाधनों से नीचे रहे हैं, तो इसमें दो भारत कैसे बना? एक अखंड भारत बनना चाहिए और जो है उसकी जो है शक्ति, जो छूटे हुए लोग हैं उसके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने साफ साफ जो है सड़क और संसद में मांग करते रहे। हम लोगों ने मांग किया कि जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना के आधार पर जो है अब जो है जो उसके आधार बनते हैं रिजर्वेशन के, वो रिजर्वेशन दो, और जो मंडल कमीशन का 27% है, जब ये बैरियर तोड़ रहे हो, 10% ला रहे हो, 60 पर जा रहे हो, जब ये बैरियर टूटता है तो आप हमको जो है हमारा जो हिस्सा 85 है, 85 दे दो और 15 ले जाओ। आप जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं? जातीय जनगणना मांग करते हैं, आज भी वहीं खड़े हैं, जिसको बंद बक्से में रख देने का काम किए हैं, उसको हमने जो है पार्लियामेंट में खुल करके जो है कहा गया कि जातीय जनगणना कराओ, 85 हमें दो, SC को, ST को, OBC को, अति पिछड़ा को, पिछड़ा को, माइनॉरिटी को, और जो है 15 ले जाओ। इस मांग को हम लोगों ने रखा और इस मांग पर अपनी राय रख करके हम लोगों ने कहा कि जो है यही हमारा पार्टी का स्टैंड है। ये खबर ये भी चली है कि लोकसभा में आपने पक्ष में वोट किया, विरोध किया? नहीं, हम लोगों ने अपने को जो लोकसभा में अपनी बात है, हम लोगों ने मजबूती से रख करके एस्केप करने का काम किया है। आपने वोट नहीं किया? हम लोगों ने वोट एस्केप किया, हम लोगों ने उसका जो है कि उसका जो होता है कि हम इसमें जो है कि शामिल नहीं है, यहाँ शामिल नहीं। हाँ, कल आप लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया। आप लोगों को उम्मीद था कि रांची हाईकोर्ट लालू प्रसाद यादव जी को बेल दे देंगे, लेकिन उनको बेल नहीं दिया गया, जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में फायर करेंगे याचिका? अब तो एक कानूनी प्रक्रिया की बात है, इसमें अलग से कुछ कहना ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा है कि बिहार महागठबंधन में सड़क से उठकर लोग आ रहे हैं। अरे, लोग अब ऐसी बातें करते हैं, किसी की अब जो है लोग के मन में है कि उसको सड़क छाप कहिए, किसी को अपमानित कीजिए, ऐसे भाषा का उपयोग कीजिए, तो जनता इसको परख रही है, जनता जवाब देती है। लोकसभा सांसद होने के नाते बांका से आपने इस बार सदन का अंतिम कार्यकाल था, क्या क्या मांगे उठाई है अपने क्षेत्र के लिए? कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल, मैंने अभी तक जो है 5 सालों में 52 पुलों का निर्माण और स्वीकृति कराने का काम किया विपक्ष में रह करके, और बिजली के सवाल को लेकर, सड़क के सवाल को लेकर के, और जन सुविधाओं के सवाल को लेकर के, और हमने कहा कि विपक्ष में मौका मिला है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो काम है, और लगभग 400 बार हम अपने क्षेत्रों में जा करके जनता से रूबरू होने का काम किया है, लोगों से मिलने का काम किया है, और क्षेत्र से संपर्क करके संसद और सड़क में जो है उन आवाज़ों को हमने मजबूती से उठाने का काम किया, क्षेत्र के सवाल को, बिहार के सवाल को, देश के सवाल को हमने उठाने का काम किया है। इसलिए आज के तारीख में साफ साफ है
कि हम अपने क्षेत्र की वफादारी में कभी जो है कमी न किए हैं न करने देंगे। और हर एक सवालों को, छोटे सवाल बड़े सवाल, आज़ादी के बाद जिन सवालों को कभी उठाने का काम नहीं हुआ उसको हमने बखूबी जो है उठाने का काम किया है और मजबूती से उठाने का काम किया है। और किसी बिना पूर्वाग्रह के, बिना किसी जो है भेदभाव के हमने इन सवालों को उठाने का काम किया है। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, LiveCities.in के लिए।